धार जिले के डोंगरी दसोड़ा के किसानों ने विजय खोड़े पटवारी को हटाने के लिए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि विजय खोड़े पटवारी की जगह किसी भी पटवारी को पदस्थ किया जाए। किसानों का कहना है कि बहुत से काम ऐसे जिसमें पैसे भी ले लिए और काम भी नहीं हुआ, और उसके बाद भी कई दिनों तक हमें पटवारी के पास चक्कर लगाना पड़े और काम हुआ ही नहीं। प्रधानमंत्री सम्मान निधि के बहुत सारे किसानों का नाम ही नहीं जुड़ा गया, जिसका जोड़ा गया उसका पोर्टल पर जानकारी सही नहीं है। कुछ ही किसानों को सिर्फ प्रधानमंत्री सम्मान निधि के पैसे मिलते हैं। अभी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा भी 4,000 रुपए की घोषणा की गई, लेकिन ये 4,000 रुपए भी उन्हीं किसानों को लाभ मिलता है। धर्मपुरी से संवाददाता की रिपोर्ट। आपका नाम? बलराम कनेल, ग्राम पंचायत डोंगरी दसोड़ा से। अब जो एसडीएम महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, एक किस उद्देश्य से ज्ञापन दिया है? ये ग्राम पंचायत डोंगरी दसोड़ा के अंतर्गत हमारा जो हल्का क्रमांक 44 है, इसमें विजय खोड़े पटवारी जो है 2018 से जुलाई 2020 तक रहे। इस बीच जितने भी किसान हैं, आज आप देख रहे हैं ये किसान बंधु 11 बजे से आज 4 बजे तक यहाँ पर उपस्थित है एसडीएम मैडम को ज्ञापन देने के लिए। तो ये क्या है कि विजय खोड़े के वापिस आने की वजह से, अभी उनका आदेश हुआ 27 तारीख को, तो उस आदेश के अनुसार वापस विजय खोड़े को हमारे हल्के में नियुक्त किया गया है। हम चाहते हैं कि इस विजय खोड़े पटवारी को यहाँ पर नियुक्त नहीं किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से सारे किसान परेशान हैं। अभी जैसे कि आपने देखा, किसी से बीपीएल कार्ड के लिए 1200-1200 रुपये लिए हैं, मुर्गे भी खाए हैं, फिर भी उनका काम नहीं किया गया। पोती नामांतरण बंटवारे के लिए 10-10 हज़ार लिए, पर फिर भी उनका काम नहीं किया गया। इस प्रकार पीएम किसान सम्मान निधि में भी बहुत सारे काम थे, पीएम किसान सम्मान निधि का काम नहीं किया लोगों का, जिसकी वजह से 6-6 हज़ार से वंचित रहना पड़ा। लेकिन सीएम किसान योजना जो अभी लागू हुई है, जिसमें 4,000 मिलना था, ये उन्हीं किसानों को लाभ मिलना था जो पीएम किसान में ऑलरेडी पंजीकृत है, ये लाभ ले रहे हैं। अब चूंकि जिनको पीएम किसान योजना का लाभ मिला नहीं, उनको सीएम किसान योजना का लाभ भी नहीं मिला, इस प्रकार से उनका 10,000 का नुकसान हुआ है। तो इस प्रकार किसान बहुत परेशान हैं, और सभी मिलके यही चाहते हैं, सबकी एक ही पुकार है कि हमारे हलके में विजय कुमार खोड़े पटवारी नहीं होना चाहिए, इसके अतिरिक्त कोई भी पटवारी हमें चलेगा। अच्छा, तो क्या कारण है कि आप यहाँ 11 बजे से उपस्थित रहे तहसील कार्यालय पे? 11 बजे से इसीलिए उपस्थित हैं क्योंकि ज़्यादा ही परेशान हैं। इनके कार्यों से 2018 से जुलाई 2020 के बीच जो कार्य किए गए हैं, उनसे किसान असंतुष्ट हैं। जो कार्य किए गए उनसे बहुत ही परेशान हैं। आज तक मेरे ख्याल से किसी पटवारी को हटाने के लिए कोई भी गांववासी या किसान नहीं आए होंगे कि ये हमें नहीं चाहिए, लेकिन आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी पटवारी को लोग नहीं चाहते, किसान नहीं चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको परेशानियां हैं, जो मैंने परेशानियां बताई कि किसी से बंटवारे के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं लेकिन फिर भी काम नहीं किया जा रहा है, किसी से बीपीएल कार्ड बनाने के लिए पैसे लिए जा रहे हैं लेकिन काम पैसे लेने के बाद भी काम नहीं किया जा रहा है। तो दिख रहा है कि वास्तव में यहाँ की जनता परेशान है, किसान परेशान है, इसलिए हम चाहते हैं विजय खोड़े हमारे हल्के में नहीं रहे, इन्हें अन्य जगह कहीं पर भी नियुक्त किया जाए और हमारे हल्के में किसी और पटवारी को नियुक्त किया जाए। अगर यहाँ से विजय खोड़े पटवारी जी को नहीं हटाया गया तो अब क्या कार्रवाई करोगे? अगर विजय खोड़े को हमारे हल्के से नहीं हटाया गया तो फिर हम उग्र रूप से आंदोलन करेंगे और मंगलवार कलेक्टर साहब के पास जाएंगे। यदि मंगलवार तक अगर हमारा काम नहीं किया गया तो हम कलेक्टर साहब के पास जाएंगे और वहाँ पर हमें उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। दादा, आपका नाम? जलाल से। किस कारण से पटवारी को हटाने जाते हैं? वो बिल को पिन बनाने के लिए तो 1200 रुपये दिए। अच्छा, वो भी काम नहीं हुआ। अच्छा, मुर्गे खा गए। अच्छा, वो भी काम नहीं करा। अच्छा, क्योंकि हमको पेंशन नहीं मिल रही, इसलिए बिल कूपन बनाने के लिए दिए। अच्छा, तो खोड़े साहब तो अब होना ही नहीं, हमारा काम ही नहीं करता। अच्छा, पैसे लेते हुए भी नहीं कर रहा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।